एक बार फिर से चर्चित बयानों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं ये नेता। चलिए जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला अपना बयान दोहराया है और मुसलमानों को सलाह दी है कि उन्हें मॉब लिंचिंग से डरने की जरूरत नहीं है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इलाज कराकर वापस लौट चुके हैं और फिर से सुर्खियों में आ गए हैं अपने बयान को लेकर। करीमनगर की जनता को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने भीड़ और हिंसा पर बोलते हुए अपनी वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि 15 मिनट वाली बात, उन्होंने कहा है कि RSS वाले हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। दुनिया उसी को डराती है जो डरता है और दुनिया उसी से डरती है जो डराते हैं। चलिए आपको बता दें कि आखिर ये 15 मिनट वाला मामला क्या है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार अपने बयान में कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली जाए तो क्या होगा, RSS से डरने की जरूरत नहीं। यही वो चर्चित बयान है जिसके बारे में बता रहे अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान अगर एक हो जाए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वे काफी बड़ी शक्ति बन सकते हैं। कोई भी RSS वाले कोई भी हमारा बाल भी बिंगा नहीं कर सकता। और याद रखो दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की। 15 मिनट ऐसा जर्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अरे ये हिम्मत है